मैंने अपने यानी वी हैव ऑल हर्ड के ये जो बाबूगिरी बाबूडम बाबूगिरी करना यानी लोगों को हैरस करना एक जो एक पर्यायवाची शब्द बन गया था. फिर आया दादागिरी करना और फिर मुन्ना भाई उसमें गांधीगिरी. इन्होंने ये उठाया जो शब्द रागगिरी कमाल कर रियली कंबाइंड इट इन अ वे कि बाकी सारे धुल गए और रागगिरी अब प्रसिद्ध हुआ. शिवेंद्र राग का अर्थ मात्र संगीत में नहीं है. राग शब्द का बहुत सारे अर्थ है लेकिन जो शब्द राग प्रेम राग होना किसी से अनुराग होना वो प्रेम इसमें झलकता है कि आपका हृदय पूर्वक अंतर मन से कितना लगाव जुड़ाव है और जो अब आपकी सांस बन चुका है तो वो इसमें झलकता है. मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं भी इसमें हूँ.